सके। ये बिल्कुल जो है ना, आपने ऐसे देखे, देखे आवाज आ रही, ये देखे, ये जो छोटे छोटे ट्रिप होते हैं ना वो सीखेंगे तो आपका प्याज ऐसा होगा। ये देखें पूरा प्याज एक जैसा पर होना है, कोई काला नहीं है, कोई चिट्टा नहीं है। वो ये पूरा आराम से देख लिए अगर वीडियो, फिर उसके बाद जो है ना ये देखें, अभी इसमें ये आपका स्टोर करके, प्याज महंगा होने वाला, स्टोर करके घर में रख दें। ये एक साल तक ये ख़राब नहीं होता, इसको पैकेटों में डालें और घर में रखें, नहीं तो रेस्टोरेंटों में भी ये ब्राउन करके रख लें। प्याज महंगा होने वाला वो तो पता है, कफला ये 2 महीने प्याज महंगा होता है, तो उससे पहले लेके काट के ये वीडियो देखें और घरों में रखें, स्टोर करें इनको। आपका जो है ना ये काम आएगा, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है, ग्रेवी बनाने में आ जाता है, सब्ज़ी बनाने में, जो मर्जी चीज़ है वो बनाने में काम आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों, ठीक हैं। आज आपको बताया जाएगा ब्राउन प्याज का तरीका, ये वीडियो पूरी देखें, ब्राउन प्याज कैसे बनता है और ये सेल करते हैं जो लोग बना के मार्केट में वो। ये देखें, ये मैंने 6-7 प्याज ले लिए, इनको इनके अंदर से ऐसे आपने जो ये लकड़ है ना ये निकाल लेनी है, लाजमी ये निकाल लेनी है। इसके बाद इसको ऐसे बारीक बारीक काटना है और साथ में आपको दिखाते हैं, ये पूरी वीडियो देखें और ये ब्राउन प्याज आप बना के सेल भी कर सकते हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस है। ये देखें, ऐसे आपने जो है ना इसको नमक लगा लेना है, ऐसे बारीक बारीक प्याज काट के ना ये नमक लगाया, ये देखें पानी छोड़ गया, जो अभी इसके अंदर पानी था ना वो निकल गया। अभी थोड़ी देर और मैं इसको नमक लगा के रखूँगा, आज इसके अंदर ऐसे अच्छी तरह पानी निकल जाए, फिर ब्राउन करते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं ये जो कारोबार के लिए ब्राउन प्याज करते हैं कैसे करते हैं। आज उसके आपके साथ जो है ना शेयर की जा रही है रेसिपी। ये देखें, ये इसने जो है ना अभी ये देखें बिल्कुल पानी छोड़ दी है, अभी बिल्कुल जो है ना ये इसका मैंने छोटे से छानने में डाला था। ये देखें ऐसे जब आपका प्याज हो जाए उसके बाद एक ऐसी कढ़ाई ले लेनी है और उससे पहले आपने साथ में ये पेपर जो है ना ये लाजमी ऐसे पेपर एक लगा के नीचे, या आपके पास कोई कपड़ा है वो बिछा लें, नहीं भी है तो चलेगा, ये ऐसे लगा के और उसी वक्त जब आई प्याज फ्राई होगा तो उसको निकाल के ऐसे को ऐसे खोल दें, इकट्ठा नहीं रखना, इकट्ठा रखते हैं तो वो इसलिए फिर जो है ना वो नरम हो जाता है और सुखड़ जाता है प्याज। बस अभी इसमें ऑयल डालते हैं और फ्राई करते हैं और आपको बताते हैं किस कलर से बाहर निकाल लें। ये देखें इतना सा आपने ऑयल ले लेना है, अभी इसको जो गैस है फ्लेम है इसका तेज़ कर देंगे, जैसे ये गर्म हो गया उसके बाद फिर ये डालते हैं। ये दो तीन जगह पे ये आपका प्याज हर जगह पे जो है ना ये काम आ सकता है। ये आप प्याज महंगा होता है तो ये ब्राउन करके ना आप रख सकते हैं, जब पता है कि आपको प्याज आगे महंगा होने वाला तो ये 4-5 महीने तक ख़राब नहीं होता, अगर आप इसको ब्राउन करके घर में रख दे और खाने में डालने के लिए इस्तेमाल करें, रेस्टोरेंट में रख ले, ब्राउन करके रख ले जितनी देर मर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन इसका ट्रिप सीखे पहले, इसको ब्राउन कैसे करें, ब्राउन का पता चल गया आपको तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आप 1 साल भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। ये देखो 70-80 डिग्री तक आपका तेल गर्म होना है, उसके बाद आपने जो है ना ये प्याज मारोगा, ये हलाते रहना हल्का हल्का ना, ये ताजे ये इधर उधर चले नहीं है, ये इधर उधर से साइड से। और ये देखें ये लाजमी आपने तैयारी करके रख ली है अपने पास, ये देखे छानना मैंने अपने पास रख ली है, ये पेपर लगा के वो ढक्कन भी रख ली है, क्योंकि ये उस जब ये प्याज रेडी होता है तो फिर ये इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, जब आपने वो एक नज़र हटी तो दूर करके नज़र घटी ये वो काम हो जाए। अभी जैसे ब्राउन होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना इससे जो है ना ये आपका ये प्याज ऐसे होना चाहिए, इससे ना ज़्यादा काला कर रहे ना इससे ज़्यादा लाल कर, ये इसका जो है ना
के अंदर है ये छोटा मोटा दाना, उसको छोड़ देना है इसको उसी वक्त ऐसे इसको अलग अलग कर देना। ये देख अभी इसको थोड़ा सूखने देते हैं और फिर साथ में आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट दिखाते हैं।